हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी वन में पार्ट 12 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 12 का नाम है पेड़ों को मत काटो। पार्ट 12, पेड़ों को मत काटो। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें प्राण वायु देते हैं। प्राण वायु अर्थात ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। माँ की भांति ये हमारे भरण पोषण में सहायक हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना होगा, इन्हें कटने से बचाना होगा, वो साथ ही नित नए पेड़ भी लगाने होंगे। इस पाठ में ये स्पष्ट किया गया है कि हमें पेड़ों को कटने से रोकना होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है, कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। इसमें एक बालक का नाम बताया गया है जिसका नाम है सुंदरलाल और वह छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। शौक अर्थात उसे बहुत रुचि थी पेड़ लगाने में। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौध तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था। अर्थात सुंदरलाल जो बालक था जो छठी कक्षा में पढ़ता था वो प्रतिदिन रोज एक पेड़ लगाता था और इसके साथ ही साथ वो अध्ययन में भी बहुत तेज था। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान है। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है वैसे ही ये पेड़ भी दुख सहन करते हैं। उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप वर्षा जाड़ा धूल आदि सब अपने ऊपर सह कर हमें सुख देते हैं। जिस प्रकार माँ हमें दुखों से बचाती है उसी प्रकार सुंदरलाल का कहना था कि ये पेड़ भी हमें धूप से वर्षा से कई तरह के दुखों से बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं उसके शरीर का अंग काट रहा है। वो उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। सुंदरलाल लोगों को हरे भरे पेड़ों को काटने से मना करता था। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। एक बार जब सुंदरलाल बीए की परीक्षा देने के लिए नैनीताल जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में बहुत सारे लोग हरे भरे पेड़ों को काट रहे हैं। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो गया। व्याकुल का अर्थ है वो बेचैन हो गया। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये लोग स्वीकृति लेकर कंपनी के नौकर हैं और जंगल को ही काट रहे हैं। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सुंदरलाल की बात नहीं सुनी और वो लगातार पेड़ काटते रहे। ये जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है कि पूरा का पूरा जंगल काटा जा रहा था। सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल की धारणा थी यदि इसी तरह से लोग पूरे के पूरे हरे भरे जंगलों को काटते रहे तो क्या होगा, तो सारे जंगल उजड़ जाएंगे और जो गांव में बसने वाले लोग हैं वो सारे अनाथ होकर रह जाएंगे।
सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानी से भरा हुआ था, अर्थात तो मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। वह उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था, यही उसकी आत्मग्लानी का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें छलक पड़ी। उसने अपनी मित्रों की जो मंडली बना रखी थी, उसका जो एक सर्कल बना हुआ था, उसने अपने सभी मित्रों को, सारे दोस्तों को बुलाया, गाँव के दूसरे लोगों को भी इकट्ठा किया और पेड़ों के महत्व को बताया। इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते सुंदरलाल की आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के सिर पर ही चल रही है। अर्थात लोग पेड़ काटने के लिए जो कुल्हाड़ियाँ उन पेड़ों के ऊपर चला रहे हैं, तो सुंदरलाल को ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे माता पिता के ऊपर चल रही है। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था, अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों वनों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार से समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी, वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। बाहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा। सुंदरलाल ने लोगों को बताया, यदि इसी तरह से हरे भरे वृक्ष करते रहे तो पर्यावरण का जो एक संतुलन बना हुआ है वह संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों के कटने से क्या होगा, वर्षा नहीं हो पाएगी, समय पर वर्षा नहीं हो पाएगी, और वर्षा न होगी तो सूखे की स्थिति यानी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और अकाल की स्थिति में देश से बाहर से अनाज मंगाना पड़ेगा, और अनाज लेने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा। परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व मन में कल्याण की भावना थी। उसने ये सभी पक्ष लोगों के सामने रखे, उसने लोगों को समझाया कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियाँ होगी। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने अपने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। अर्थात सुंदरलाल सभाएं आयोजित करने लगा, लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में बताने लगा, और यदि हम वृक्ष काटेंगे तो उनसे क्या हानियां उत्पन्न होगी, इसके बारे में वो लोगों को जागृत करने लगा। उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं, इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल ने लोगों को क्या उपाय बताया कि जब भी कंपनी के नौकर आएं और किसी हरे भरे वृक्ष को काटने लगे तो लोगों को उस पेड़ से लिपट जाना चाहिए, जिससे उस पेड़ को नहीं काट पाए। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। लोग सुंदरलाल की इस बात से भली भांति परिचित हो गए और जब भी कोई हरे भरे वृक्ष को काटने लगता तो वो उस वृक्ष से लिपट जाते थे। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। चिपको आंदोलन का संबंध हरे भरे पेड़ों से है और सुंदरलाल बहुगुणा ने ही इस आंदोलन की शुरुआत की थी। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए और इस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा का नाम पर्यावरण रक्षक के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।